यूट्यूब की इनकम है, यूट्यूब की इनकम हराम है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पाकिस्तान के अंदर जो वो लेक्चर्स दे रहे हैं डेली बेसिस पे, और हर नए दिन नहीं बल्कि हर एक घंटे के बाद नया शोशा निकल कर सामने आ रहा है, और उस पर हिलेरियस किस्म की डिबेट्स हो रही हैं, और सोशल मीडिया भर चुका है इस वक्त। जब से एक महीने के अंदर तो जितना कंटेंट बन रहा है वो शायद एक साल में भी ना बने। बोला भाई टिकटॉक और मेरी दुश्मनी, मेरी टिकटॉक से दुश्मनी नहीं, टिकटॉक को मेरी दुश्मनी है, आप समझे ना। आपके 1.5 मिलियन चंद घंटे में इनके बेटे के 1.5 मिलियन टिकटॉक पे फॉलोअर बहुत है, लेकिन वीडियो ही निकाल दिए, क्योंकि मैंने मेरे भाइयों जो है ना विगर मुस्लिम का सपोर्ट किया। आप भी सपोर्ट करेंगे, आपको भी बैन कर देंगे, तो समझ गए। सो कॉल्ड डॉक्टर जाकिर नायक, ये पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में पहले जब ये लैंड करे तो भैया बहुत खुशी, जैसे पाकिस्तान में महीनों पहले ईद आ गई हो, लोग बावले, लोग परेशान, कोई हाथ चूम रहा है, कोई माथा चूम रहा है, कोई कुछ चूम रहा है, कोई क्या चूम रहा है, और वहां पे लोग बिल्कुल बावले, जाकिर नायक आ गया, जाकिर नायक आ गया, जाकिर नायक ग्रेट इस्लामिक फिलोसोफर, ग्रेट स्कॉलर, ग्रेट फलाना, ग्रेट डिमका। अब पाकिस्तानी यूट्यूब पे आके गालियां दे रहे हैं जाकिर नायक को। सही खेल गया बैंच। लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक ने एक और, वो वैसे तो वहां पे कहते लुच चल दिए, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे, गलत बात है इस तरह की बात करना। उन्होंने एक और बात कह दी है, उन्होंने कहा है कि यूट्यूब की इनकम हराम है। लड़कों से बातचीत, वो नौजवान जो है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा की कर रहे हो तुसी यूट्यूब से, आप पैसा कमा रहे, दिमाग खराब है आपका, ये हराम है। यूट्यूब से हराम कमाए, हराम है। यूट्यूब के ऐड से अगर कमाते हैं, वो ऐड में लड़कियां आ जाएंगी, म्यूजिक आ जाएंगे, ये आ जाएगा वो, आप उसको मे बी आप अल्कोहल ऐड को बैन करेंगे, लड़कियां तो बैन नहीं कर सकते ना, कर सकते क्या। जय दोस्तों, राम राम जी। देखिए भाई, पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को पता है एक महीना है जो जाकिर नायक रहेगा, और जाकिर नायक ने कल बोला है कि सोशल मीडिया हराम है, जो YouTube, Facebook, TikTok से जो कमाई कर रहे हो हराम है। $35 मिलियन है जो पाकिस्तान के अंदर एक साल में पैसा आता है, इसको भाई पाकिस्तानी रुपए आप लोग कमेंट में जरूर कन्वर्ट कर दिए कितने हो गए। देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह बातें बोल रहा है जाकिर नायक, ये हराम है। आप लोग चीज देख सकते हैं कि भाई डिफरेंस मेन क्या है। महाभारत, रामायण, श्रीमद् भगवत गीता, देखिए मैं भगवत गीता और इनके शांतिपूर्वक की बात कर लूं तो भगवत गीता के अंदर कर्म पर फोकस किया गया है, कर्म अच्छे करो इंसान अच्छे बन जाओगे, भगवान आपके पास आएगा, और ये कन्वर्ट कराने के ऊपर इसका जो है पूरा पूरा फोकस है, यही भाई डिफेंस सबसे बड़ा आ जाता है, बाकी बहुत है। आप लोग एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर मेरी बात है, मैंने कहता हूं कि मैं बहुत महान हूं, मैं छोटा सा दाई हूं, अल्लाह से फरमाता हूं, तो हमारा ये फर्ज है जो भी गैर मुस्लिम बने उनको बोलो। आपने कितने गैर मुस्लिम को दावत दी, आप यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है, मैं आपकी जाती जिंदगी में जाना नहीं चाहता हूँ। यूट्यूब इन्फ्लुएंसर अच्छे भी होते, खराब भी होते, इस्लामिक भी होते, गैर इस्लामिक भी होते। मेरा भी यूट्यूबर से ये चैट हुआ था, पॉडकास्ट बराबर ना। तो ये चीज है कि आप देखना चाहिए, आप यूट्यूबर, मैं भी यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर हूँ। आपके कितने मिलियन है फेसबुक पे, टिकटॉक पे 3.7 मिलियन है। टिकटॉक तो मुझे बैन कर दिया क्योंकि मैंने मेरे चाइनीज भाइयों की तरफ से क्या तुमने बैन ही कर दिया। तो एक अपने गवर्नर साहब के बेटे, मेरे बेटे, उनके बेटे ने परसों मेरी वीडियो ली, पॉडकास्ट ली, बोले अब्बा 2 मिलियन पहुंच गया, मॉर्निंग में आउट। बोले अरे काट दिए क्यों, मैं बोला भाई टिकटॉक और मेरी दुश्मनी, मेरी टिकटॉक से दुश्मनी ने, टिकटॉक को मेरी से दुश्मनी है, आप समझे ना। आपके 1.5 मिलियन चंद घंटे में इनके बेटे के 1.5 मिलियन टिकटॉक पे फॉलोअर्स बहुत है, लेकिन वीडियो ही निकाल दिए, क्योंकि मैंने मेरे भाइयों जो है ना विगर मुस्लिम का सपोर्ट किया। आप भी सपोर्ट करेंगे, आपको भी बैन कर देंगे, तो समझ करें, आप समझे ना। अच्छा, मैं इससे टिकटॉक से मैं हूं ही नहीं। आपके फेसबुक पे कितने इन्फ्लुएंस है, कितने फॉलोअर्स है फेसबुक पे? तकरीबन 1.5 लाख होने वाले हैं। 1.5 लाख होने वाले हैं। मेरे अभी 24 मिलियन हुए 2 दिन में, माशाल्लाह 24 मिलियन। तो मैं भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ क्या? नहीं है। आपके यूट्यूब पे कितने? YouTube पे 265K। माशाल्लाह, मेरे 4 मिलियन अभी हो गए 2 दिन पहले, मैं भी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हूँ ना। तो मेरा पेशा है YouTube influencer, Facebook influencer, social media influencer, takreer influencer, influencing people towards Allah. ठीक है। उन्होंने कहा नहीं, बंद करें monetize अपनी। फिर उन्होंने कहा, अच्छा मैंने कहा डॉक्टर जाकिर नायक तो अपने millions में है YouTube पे, तो खुद कमा रहे हैं और दूसरों को कह रहे हैं कि बंद करें। तो डॉक्टर जाकिर नायक ने साथ ही ये बोला, जाकिर नायक ने फरमाया कि पायन मैं नहीं कमांदा। उन्होंने कहा मेरा जो monetization है उसकी डॉक्टर जाकिर नायक की, वो बंद है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो दूसरे लोग हैं वो बड़े कमा रहे हैं मेरे YouTube से, क्योंकि मेरी तरफ से इजाजत है जो मर्जी वहां से लेकर उठाकर चला दे। हमने कहा चलो भैया ये तो अच्छी बात हुई, अब हम और भी ज्यादा क्लिप्स चलाएंगे, ठीक है कोई बात नहीं, आपके लिए हराम है, हमारे लिए नहीं, हमें तो कमाने देना भैया। लेकिन मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, ये अथॉरिटीज जो है ना, पाकिस्तान की अथॉरिटीज, ये देख लें, उन्हें इसलिए बुलाया था कि आपकी जो मोनेटाइजेशन से जो पैसा पाकिस्तान के अंदर पहुंच रहा है YouTube से वो बंद हो जाए, इसलिए बुलाया। देख लो कि कहने पहने हो,
ये जनाब जो है ना टोटल रेवेन्यू, मैंने कहा कितना आ रहा है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैंने यू नो ऊपर ऊपर से हिसाब किताब लगाया. टोटल रेवेन्यू इन पाकिस्तान सोशल नेटवर्किंग मार्केट इज प्रोजेक्टेड टू रीच 31.22 मिलियन, ये $32 मिलियन 2022 का था ये. तो ऑब्वियसली दो साल और गुजर गए तो आप समझ लें कि ये $35 मिलियन के करीब होगा, हो सकता है इससे ज्यादा हो, मैंने गलत देखो, लेकिन मैं एक आम कम से कम इतना है. तो देखें उन्होंने ये कहा है कि ये जो है ये हराम है, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये जो 35-40 मिलियन डॉलर आपको जा रहा है इससे वो भी बंद पाए. ये जो कशकोल पकड़ के जगह जगह फिर रहे हैं IMF के पास, जो कंट्री हो कैश स्ट्रैप्ड कंट्री, बैंक करंसी जहां पर होने वाली हो वहां के कंट्री को इस तरह की वो करना कि नौजवान जो है इसके आकर अपना वही बंद कर दें, बंद नहीं किसी ने करना पाए. तो फिर पॉलिटिकल स्क्रूटनी करना एक शहरी का हक होता है. इससे पहले कि लोग गालियों के अंबार लगा दें, मैंने इसलिए ये क्लियर किया कि अगर आपको अपना राइट नहीं पता तो हम बता देते हैं. दैट इफ समबडी इज अ स्टेट गेस्ट एंड यू हैव पेड टैक्सेस टू द स्टेट, इट इज योर राइट टू कॉम्प्लेन. सही बात. इस वक्त डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो कि एक टेलीविजनिस्ट हैं, प्रीचर हैं, आलिम हैं, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं. उनका टूर अभी जारी है कराची और इस्लामाबाद से, वो करा चुके हैं, गालिबन अब उन्होंने लाहौर आना है, एक आधे और शहर में वो जाएंगे. टू माई सरप्राइज अ लार्ज अ मैसिव नंबर ऑफ पाकिस्तानी आर क्रिटिसाइजिंग डॉक्टर जाकिर नाइक. आपको मालूम नहीं पड़ता जिंस क्या है? ख्वाजा सरा. छक्का. बराबर. सर ख्वाजा सरा भी एक लफ्ज है जो हम यूज करते हैं. छक्का ना. रिसेंटली वो उन पर तनकीद कर रहे हैं, ट्विटर के ऊपर देखिए, फेसबुक के ऊपर देखिए, इवन मीम्स बहुत से बन रहे हैं. उसकी वजह यह है कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रोवर्शल बयान उनकी तरफ से दिए गए रियासत पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की स्टेट अथॉरिटीज़ के बारे में भी कुछ चीज़ें कहीं, और फिर पाकिस्तान के मुआशरे सोसाइटी के हवाले से कुछ कमेंट्स किए, वो अंडर स्क्रूटनी आ गए. लोगों ने तनकीद की. हमारा काम यह है कि उस तनकीद को प्लेटफॉर्म करें और आपको बताएं कि उन पर तनकीद क्यों लोग कर रहे हैं. तो स्क्रैच से ये हमारा क्रिटिसिज्म नहीं है, इट इज़ द कवरेज ऑफ व्हाट पीपल आर सेइंग अबाउट हिम. नंबर वन. नंबर टू, तो मैं ये बता दूं कि ग्रोइंग अप इन दिस कंट्री आई आल्सो वॉच्ड अ बिग नंबर ऑफ हिज स्पीचेस. उसकी वजह यह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की तकारीर जब आया करती थी, बयान आते थे पीस टीवी के ऊपर, सो इट यूज़ टू अपील मी बैक इन द डेज एज अ कॉलेज और अ स्कूल बॉय. उसकी वजह यह है कि आई यूज़ टू सी कि चलो अपने पॉइंट को सब्सटानशिएट करने के लिए, साबित करने के लिए रीजनिंग का तो सहारा लिया जा रहा है किसी हद तक. सो दैट्स वाई इट यूज़ टू अपीयर बेटर दैन द लॉट वी हैड इन दिस कंट्री. कि यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर कल्चर था कि बस आपको ये बोल के बता दिया है एक मौलाना साहब ने, आपने आगे से बोलना नहीं. तो दोस्तों आप लोगों ने देखा यानी कि आज पाकिस्तान के अंदर क्या नहीं होता. पाकिस्तान के अंदर चीन, पाकिस्तान का इतना अच्छा दोस्त, उसने जाकिर नायक को बैन कर रखा है. पाकिस्तान के अंदर खड़ा होकर महिलाओं को उनकी उल्टा सीधा उनको कोस रहा है, उनको यहाँ तक कि मैं क्या बोलूँ बजारू औरतें बोल रहा है, नीचे तालियां बजा रही, गड़गड़ाहट तालियों की, और कौन बजा रही? महिलाएं बजा रही सबसे ज्यादा. वाह, ये भाई साहब खूबसूरती इनकी पाकिस्तानियों की. जब अपने हकों के लिए पाकिस्तान की औरतें नीचे माइक से बोल रहे हैं कि भाई हमें पीटा जाता है, हमें घर से बाहर निकाल दिया जाता है, तो उसके लिए क्या कानून है? अगर मैं क्या करूं? अरे भाई तू कुछ कर नहीं सकता, तू करने क्या आया ये तो बता. फिर स्टेट गेस्ट है तू, इनका तू लेने आया क्या, कन्वर्ट ही कराने आया क्या? वहां पर जो कन्वर्ट होते हैं उनकी तू वीडियो बनाता है. वो एक और है वो तारुक मसूद, वो कल पता क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था कि 5-5 करोड़ के कैमरों से वीडियो शूट की जा रही है कि भाई आने वाले समय पे यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे और पता लगेगा कि कितने अच्छे तरीके से हमने कन्वर्ट किया है. अरे भाई कन्वर्ट करके तुम उसको जो बना रहे हो भाई, सबसे बड़ा तो इंसानियत का धर्म है. हिंदू मुस्लिम सिख आयु से भी बहुत ऊपर है अगर कोई इंसान बन रहा है तो. इंसान इंसान के काम नहीं आ रहा, तुम आतंकी लोगों को बना रहे हो भाई. क्या हो तुम भाई? आपकी क्या रिकमेंडेशन? जय जवाहर, जय श्री राम.